गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वेस साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, सेकेंड टर्म क्रैश कोर्स के अंतर्गत क्लास 9 का ग्रेविटेशन का चैप्टर चल रहा था। ग्रेविटेशन का एक पार्ट बन चुका है। उस पार्ट को जिन बच्चों ने भी मिस कर दिया है, नहीं देखा है, वो चैनल में जाएंगे, सर्च करेंगे ग्रेविटेशन पार्ट 1, वो उनको वहां पर मिलेगा। उस पार्ट में बहुत सारी बातें हुई थी। इंट्रोडक्शनरी क्लास थी ग्रेविटेशन की, वो उसमें ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की यूनिट, ग्रेविटेशन फोर्स की यूनिट और इनकी वैल्यू, ये सारी बातें वहां पर हुई थी। सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में भी मैंने बताया था। आज जो हम चर्चा करेंगे फ्री फॉल की करेंगे। फ्री फॉल क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ मूव करता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है, वो अर्थ की तरफ अपने आप मूव करता चला आ रहा है, इसको फ्री फॉल कहेंगे। इसमें क्या हो रहा है? द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अपनी तरफ अर्थ खींच रही है हर वस्तु को। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। क्यों खींच रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इट्स मूवमेंट इज नोन एज फ्री फॉल। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आते ही, उसको हम क्या कहेंगे? फ्री फॉल कहेंगे। तो फ्री फॉल में क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ मूव करेगा, अर्थ की तरफ मूव करेगा। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रहा है जो खींच रहा है इसको नीचे की तरफ। नीचे क्या है? अर्थ। अर्थ की तरफ खींच रहा है। तो ये फोर्स जो अर्थ की तरफ खींच रहा है इस ऑब्जेक्ट को, वो क्या है एक्चुअली में? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये बॉडी किसके इन्फ्लुएंस में आई? इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में आई। किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स के। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है किसका एक्चुअली में? ये अर्थ का है। द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, जो भी इस यूनिवर्स में है, सभी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने केंद्र बिंदु की तरफ खींचती है, उसी फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है अर्थ की सरफेस की तरफ आएगा, अर्थ के सरफेस में गिरेगा। एक्चुअली में ये फोर्स केंद्र बिंदु की तरफ लगता है, लेकिन अब सरफेस से नीचे तो जा नहीं सकता, तो ये सरफेस पे आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्यों आया? क्योंकि उसमें एक फोर्स लगा है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो निकल के क्या आया था भैया? निकल के आया था एक जी, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या लगाया था? एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगाया था, दैट इज जी। तो जी मल्टीप्लाइड बाय एम इनटू एम अपॉन डी का स्क्वायर। इसमें एम क्या है? ये कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है और स्मॉल एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और डी क्या है? ये अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी। ओके, तो एक फोर्स लग रहा है एफ। इस एफ फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ मूव करेगा। इसी को क्या कहते हैं? फ्री फॉल। ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ विद फोर्स
which a force known as what? Gravitational force. Gravitational force. ये कौन सा फोर्स है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स है. एंड द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट टू मूव टूवर्ड्स द अर्थ. तो ये मूवमेंट जो हुआ है, इसी मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? फ्री फॉल कहेंगे. ओके, तो अब एक पॉइंट तो हो गया, फ्री फॉल समझ में आ गई बात. अब दूसरे एस्पेक्ट को देखिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फॉल करेगा तो उसकी एक्सीलरेशन जो है वो चेंज होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा. एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन विल चेंज. ये जो एक्सीलरेशन ए है ये चेंज कर जाएगा. ये चेंज क्यों किया है? क्योंकि इसमें एफ लग रहा है. एफ क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है. ठीक है, ओके, समझ में आ रही है बात. अब देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये बात समझ में आ गई होगी. फ्री फॉल क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की लगने की वजह से जो भी अर्थ के ऊपर बॉडी है वो अर्थ की तरफ मूव करने लगती है, इसी को फ्री फॉल कहते हैं. यानी कि उसमें कौन सा फोर्स लगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, जिसकी वजह से ही ये बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है. ओके, इसी नीचे की तरफ गिरने को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉडी को, इसके गिरने को क्या कहेंगे? फ्री फॉल कहेंगे. ओके, नाउ जब भी बॉडी नीचे की तरफ आ रही होगी तो अभी मैंने क्या कहा? एक्सीलरेशन चेंज करेगा, एक्सीलरेशन बढ़ता जाएगा नीचे की तरफ जैसे जैसे आती जाएगी, और जब सरफेस से टकराएगी मैक्सिमम होगा उसका एक्सीलरेशन, और जब टकरा जाएगी तो उसका एक्सीलरेशन जीरो. ओके, तो यहां पे देखिए जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट है बॉल है उसको ऊपर से हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद एक मैक्सिमम डिस्टेंस ये कवर करेगा. यहां पे इसको क्या होगा? ये इसकी जो वेलोसिटी है बिल्कुल जीरो हो जाएगी. ठीक है, फिर उसके बाद में ये बॉडी नीचे आना शुरू हो जाएगी, नीचे आएगी और ये जमीन पर गिर जाएगी. तो अब देखिए आपने उसको फेंका तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बोल रहे थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो नीचे की तरफ लग रहा था तो इसकी एक्सीलरेशन जो है इसका डिक्रीज करता चला जा रहा था. ठीक, यहां पर आके एकदम जीरो और यहां से फिर से इंक्रीज करना शुरू होगा और यहां पे पहुंच के इसका एक्सीलरेशन एकदम मैक्सिमम होगा. लेकिन चूंकि अब ये टकरा गया तो अब इसका एक्सीलरेशन यहां पे जीरो हो जाए. ओके, तो ये क्यों? क्योंकि यहां पे जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ लग रहा है, अब बॉडी एक्सीलरेट कर रही थी ऊपर की तरफ. ठीक है, तो यहां पर एक्सेलरेशन होगा बॉडी का, धीरे धीरे एक्सेलरेशन का कम होता जाएगा और यहां पे एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेट करेगी बॉडी. और एक्सेलरेट करेगी क्यों करेगी? क्योंकि एफ यहां पे उसके एक्सेलरेशन के तरफ ही लग रहा है, टूवर्ड्स, एक्टिंग टूवर्ड्स द एक्सेलरेशन. ठीक है, तो ए भी इसी तरफ लग रहा है, एफ भी इसी तरफ लग रहा हो रहा है. इसका मतलब है कि ए जो है वो इंक्रीज करता चला जाएगा. ठीक है, तो ये किसने इंक्रीज कर रहा है? ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से.
अब चूंकि ये एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, एक्सीलरेशन हुआ है, बॉडी ने मूव की है, एक्सीलरेट की है, बढ़ी है, तो वेलोसिटी बढ़ी है। यानी कि एक्सीलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यू या वी माइनस यू अपॉन टी, इसी को कहते हैं एक्सीलरेशन। वी माइनस U upon T, तो इसको क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन कहेंगे। ये एक्सीलरेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज करना है। यहां पे वेलोसिटी कुछ थी, जीरो थी, थोड़ा इंक्रीज की, फिर उसके बाद यहां मैक्सिमम। तो एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है। ये एक्सीलरेशन क्यों चेंज हो रहा है? ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। इसलिए इस एक्सीलरेशन को हम क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इस ऑब्जेक्ट में, लेकिन ये एक्सीलरेशन क्यों हो रहा है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और चूंकि ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए इसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस एक्सीलरेशन को क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये क्या है? एक्सीलरेशन ही, एक्सीलरेशन ही। और इट इज डिनोटेड बाय, इट इज, ये एक्सीलरेशन जो ग्रेविटी है, इसको किससे डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय, बाय G, स्मॉल G, कैपिटल G से हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिनोट किया था, ये याद रखिएगा, और स्मॉल G से हमने ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट किया है। अब देखो, क्योंकि ये एक्सीलरेशन ही है, इसलिए इसकी यूनिट भी वही होगी जो एक्सीलरेशन की। तो एक्सीलरेशन की यूनिट देखिए क्या होती है, यहां से निकाल, ये भी है, ये भी वी है, यानी कि वेलोसिटी, ठीक है, और स्पीड की यूनिट क्या होती है, या वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो यहां पे मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और यहां पे टी, टी की यूनिट भी सेकंड होती है। ऐसा है क्या? स्पीड की वजह से, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड। ओके, ये क्या है? स्पीड। तो यहां पे क्या हो रहा है? मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। तो अब सेकंड ऊपर चला जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी यूनिट हो गई भाई? ये एक्सीलरेशन की हो गई। यानी कि जी की यूनिट भी क्या होगी? यही होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये आप जान रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। अभी हमने बचा कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स को जान रहे हैं, बात हो रही है फोर्स की। देखिए, फोर्स जो होता है वो F इक्वल टू एम ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, ठीक है। एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। ये कहां से आया? ये आया सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आया है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, ये मोशन वाले चैप्टर में बताया गया है। क्या है? F इज इक्वल टू एम इंटू ए।
ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, क्या है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, ओके प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। तो देखिए यहां पे एक्सीलरेशन है, इसकी जगह पे हम जी यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर लिख देते हैं एम इंटू जी तो भी तो एफ ही हो गया, तो भी तो एफ ही हो गया, तो एफ की जगह हम एम जी लिख सकते हैं। वी कैन यूज एफ की जगह एम जी हम लिख सकते हैं। देखिए अब देखिए क्या कह रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर और आर स्क्वायर, ठीक है आर स्क्वायर, आर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ है। तो अभी देखिए जी वेयर जी ये क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आर रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है स्मॉल एम मास है जिसका, और एक ये मास है अर्थ का, ये मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ एंड दिस वन इज द मास ऑफ बॉडी। तो सारी बातें हो गई, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड बाई एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। जी क्या है ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट है, एम क्या है मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम क्या है मास ऑफ बॉडी है, और आर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ। देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट सपोज दैट ये अर्थ है, ये बहुत बड़ी है, ठीक है तो ये इसकी सर्कल सेंटर है, ये क्या है आर है। जब भी कोई अर्थ के ऊपर बॉडी कितना ऊपर जाएगी, ठीक है अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी ये डिस्टेंस होगी वो निग्लिजिबल हो जाती है। यहां पे हम मान के चल रहे हैं निग्लिजिबल है, लेकिन जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तब हम उस डिस्टेंस को भी रखेंगे तो स्लाइटली कैलकुलेशन में चेंजमेंट आएंगे, लेकिन यहां पे हम उस डिस्टेंस को निग्लिजिबल मान रहे हैं एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस के अर्थ के रेडियस के कंपेरिजन में चूंकि वो डिस्टेंस निग्लिजिबल है इसलिए हम उसको यहां निग्लिजिबल ही मान रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ इसलिए हम उसको यहां पर निग्लिजिबल कर रहे हैं। यहां एफ इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आपको ये क्लियर हो चुका है। जिन बच्चों का ये क्लियर नहीं हुआ है वो पहला पार्ट वीडियो जो पहला पार्ट इसका बनाया गया था उसको देख लें। देखिए सिस्टमेटिक वे में आप चलेंगे तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे, लेकिन बीच बीच में आप एक्सपेरिमेंट सा करेंगे कि आज ये वाला भी पार्ट खोल दिया आज वो वाला पार्ट खोल दिया आज वो, तो सिस्टमेटिकली जब आप नहीं चलेंगे आप चीजों को मिस कर जाएंगे, यानी कि यू कैन नॉट रिलेट द थिंग्स। ईंट के ऊपर ईंट रखते जाओगे तो दीवार बनेगी, बीच में ईंट हवा में लटका दोगे तो दीवार नहीं बनेगी, बल्कि वो ईंट भी नहीं टिकी रहेगी, वो चली जाएगी नीचे। इसलिए सिस्टमेटिकली आपको मूव करना होगा। ओके तो यहां पे क्या हो रहा है एफ को समझ रहे हैं, एफ की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, एफ की जगह हम एम जी लिखने वाले हैं। ओके
तो लिख देते हैं क्या है, फिर देखते हैं क्या होता है और क्या हो। एक्चुअली में ये बोर्ड जो है सेट में ओके, इसको थोड़ा सा सेट करना होगा। एफ की जगह क्या है एम जी रखना होगा, तो रख देते हैं एफ की जगह एम जी। देखिए एफ की जगह एम जी रखना, एम इंटू जी ओके। नेक्स्ट जी निकालना है हमको, अभी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन की बात हो रही थी, तो अब वैल्यू ऑफ जी हम निकालेंगे। वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ जी, जी का फॉर्मूला भी निकलना होगा, तो यहीं से सब कुछ आ जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। देखो एम को काट देना है तो बचेगा क्या, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन जी आर स्क्वायर, निकल आया आपका जी, निकल आया भाई जी। क्या है एक्सीलरेशन है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, वही होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट होगी। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू मैं बता दे रहा हूं लेकिन वैल्यू निकालना है। वैल्यू जो जी की होती है वो 9.8 होती है। आपके लेवल के अभी कंपटीशंस में कहीं कहीं 10 डायरेक्टली लिखा होगा, तो अगर जी की वैल्यू 9.8 नहीं दी है तो आप 10 कंसीडर कर सकते हो। आप कैलकुलेशन में आप रख देना जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा। लेकिन एक्चुअली में 9.8, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे निकलेगी, जी की वैल्यू रख दीजिए, मास ऑफ अर्थ रख दीजिए, आर की वैल्यू रख दीजिए, रेडियस ऑफ अर्थ, इसको कैलकुलेट कर लेना, आपकी वैल्यू निकल आए। अब देखिए जी की वैल्यू जो होती जी, जी की वैल्यू होती है 6. अभी जी की वैल्यू यहां पर लिख दिया, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10^11, 6.67 इंटू 10^-11 इंटू 10^-11। अब देखिए जी के केस में हमने यूनिट निकाली थी, यूनिट क्या निकाली थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, यही निकाली थी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए इसको हम मिटा देते हैं। जी की वैल्यू, जी की वैल्यू हो गई ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आया, एम की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ लेकिन एम, ये क्या है मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ 5.98 इंटू 10^24 के जी इंटू 10^24 5.98 इंटू 10^24 kg, याद रखिएगा।
ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, केजी मास है भी। ओके, अब बचा आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। रेडियस ऑफ अर्थ 6.38 × 10⁻⁶ मीटर, मीटर दिया, मीटर 6.38 × 10⁻⁶ मीटर। ये याद रखिएगा, ये एक्चुअली में क्या है, जी, जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ कांस्टेंट, या ग्रेविटेशनल या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट ये क्या है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, दिस वन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस। तो कुछ नहीं, हमने क्या निकाला था, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के लिए जी की वैल्यू रख दीजिएगा, एम की वैल्यू रख दीजिएगा, आर की वैल्यू रख दीजिएगा, सॉल्व कर लेना, 9.8 ही आएगा। रही बात यूनिट की, तो यूनिट देखिए, जी की जगह न्यूटन पर मीटर, मैंने यूनिट को सॉल्व किए रह रहा हूं, बाकी आप ये कैलकुलेशन कर दीजिएगा, ठीक है। मैं यूनिट को किस तरीके से करना है उसको देखो, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन जो टिपिकल केस है वो मैं किए दे रहा हूं, बाकी वो सब थोड़ा थोड़ा भाग आप करिए। न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर इंटू मास ऑफ अर्थ केजी अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तो एम इंटू एम। ओके, एम इंटू एम। अब चूंकि एक केजी नीचे है तो केजी नीचे ही आएगा, इसको और कॉमन कंट्रोल सॉल्व कर लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इंटू केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यही है ना नीचे, तो अब इसको ऊपर ले जाओ, आ जाओ इधर, फिर से इसको मिटाए दे रहा हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी अपॉन केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, केजी और केजी काट दिया, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर काट दिया, बचा क्या, न्यूटन अपॉन केजी, यही बचा, न्यूटन अपॉन केजी। न्यूटन क्या है भैया, न्यूटन है फोर्स की यूनिट, और केजी किसकी है, मास की यूनिट, यानी फोर्स अपॉन मास। फोर्स को क्या लिखेंगे, एफ इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है, फोर्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। देखिए एफ की जगह हम एम ए लिख देंगे, एम नीचे है, एम एम को भी हटा दिया, बचा क्या ए, यानी कि ये जो हमने कैलकुलेशन के बाद निकाला वो क्या निकला है, ए, और फोर्स की जगह ए क्यों लिखेंगे, जी लिखेंगे ना, एम जी, ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है, एम जी, तो जी निकल आया, क्या निकला, जी। तो इसी जी को की वैल्यू जब इसको कैलकुलेट करोगे, इन इन इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको 9.8 निकलेगी, 9.8। अब एक्सीलरेशन है तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
आज के लिए इतना काफी है। ये जो एक्सपेक्ट मैंने आपको करवाया इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे सब समझ में आएगा। टिपिकल नहीं है, टिपिकल कुछ भी नहीं होता है, बस ये है कि उसकी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको कोई भी व्यक्ति, कोई भी टीचर, कोई भी गाइड, कोई भी मास्टर कुछ भी घोल के नहीं पिला सकता। आप छोटे बच्चे अब नहीं हो, स्पून फीडिंग नहीं करवाई जा सकती। आपको समझाया जा सकता है और आपकी समझदारी इतनी अच्छी है कि आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ओके, तो आप सभी का सेस साइंस क्लासेस से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन भी बढ़े और हम और ज्यादा एनर्जी के साथ आपके लिए काम करें। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। आप सभी का धन्यवाद।